गाइस वेलकम बैक टू जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि हमने 60,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर चुके हैं और हम बहुत ही जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करेंगे। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो और बढ़िया 1 लाख सब्सक्राइबर को स्पेशल होगा, गिव अवे करूंगा, अच्छा सा गिव अवे करूंगा, 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा जो स्विफ्ट गाड़ी है उसकी सबसे ज़्यादा एक्सेसरीज आती है, सबसे बेस्ट एक्सेसरीज आती है जो अपने पास टाइप 3 थी। तो अब अपने पास जो आपको पता है टाइप 4 लॉन्च हो चुकी है जो 2018 मॉडल में लॉन्च हुई थी, तो उसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सेसरीज आने लग गई और मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको, उसमें हमने बहुत चीज़ें अपग्रेड की थी। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है गाइस उसकी बैकलाइट पे। जैसे मैंने अपनी गाड़ी के अंदर जो अपनी बैकलाइट है वो चेंज करवाई थी, ऐसी स्विफ्ट के अंदर भी आफ्टर मार्केट बैकलाइट आ चुकी है जो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये वीडियो वगैरह मैं स्विफ्ट की शूट कर चुका हूँ, इंट्रो और आउटर बाद में शूट कर रहा था, तो आप एक बार पूरी इंस्टॉलेशन और लाइट वगैरह चेकआउट कर लो, फिर बात करते हैं आखिरी में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो गाइस ये हमारी अभी स्टॉक लाइट है, आप लोगों ने देखी होगी जो अपनी नॉर्मल आती है, हर एक मॉडल में स्टैंडर्ड यही आती है। और एक बार इस साइड से भी देख लो, बिल्कुल स्टॉक लाइट है। मॉडल जो है गाइस अपने पास ये VXI मॉडल है और इसके अंदर हम करवाएंगे इंस्टॉल। तो एक बार अभी बॉक्स आ रहा है तो मैं आपको एक बार बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ आपको लाइट, फिर दिखाऊंगा आपको इसकी पूरी इंस्टॉलेशन। हमारे ये लाइट आ चुकी है और ये आप देख लो क्रिस्टल आई कंपनी की ये टेल लाइट्स है और इसके लिए अभी बिल्कुल ये फ्रेश पीस आया और अब इसकी अनबॉक्सिंग होगी प्रॉपर। बिल्कुल जेन्युइन क्रिस्टल आई की है, आपने इसकी HIDs भी सुनी होगी आते हुए और HIDs भी आती हैं इसकी। भाई से कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। ये हमारी लाइट है, तो आप देख लो गाइस पूरी ट्रांसपेरेंट लुक में और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं और ये तो सबसे एक रॉ बात हो गई। और जब इंस्टॉल होने के बाद जो उसकी पूरी लुक आएगी वो सब आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और अब चलते हैं इसकी सीधा इंस्टॉलेशन की। तो गाइस हमारे बाहर निकले और ये रहा पूरा कपलर और जो हमारी लाइट है इसमें भी गाइस पूरा कपलर वाला सीन है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये अब देख लो ये रहा पूरा कपलर और सीधा कपलर टू कपलर इंस्टॉल होगा, कुछ नहीं करना अपने इसमें, ना वायरिंग का कोई इशू नहीं हो। सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, ये भाई ने कपलर लगा दिया है। और एक बार ये भैया इसे देख ले तो फिर मैं आपको इसके जितने भी डिज़ाइन है इसके अंदर जितने भी पैटर्न है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस ये पूरी फिट हो गई है, एक बार डिक्की बंद कर दो। तो गाइज ये हमारी आफ्टर मार्केट हो गई और मैं एक बार आपको दोबारा स्टॉक भी दिखा देता हूँ। गाइज ये स्टॉक है तो डिफरेंस आप खुद ही चेकआउट कर पा रहे होगे, गाड़ी की लुक कितनी ज़्यादा एनहेंस हो गई है, डिफरेंस देख लो। और भाई अभी से ऑन कर रहे हैं तो अपनी ये ब्रेक लाइट्स पे गाइज ये वाले डिज़ाइन पार्किंग पे और अपना गाइज ये ब्रेक पे हो गया, ये भाई ने दोनों ऑन कर दिया। इंडिकेटर दे दो, ये अपना इंडिकेटर गाइज प्रॉपर मैट्रिक्स वाला देख लो। और अब मैं दिखाता हूँ एक बार रिवर्स और दिखा देता हूँ। तो गाइस ये अपना रिवर्स पे हो गया, अपना रिवर्स और ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हो दोनों एक तरह से एक लाइन में ही दे रखा है और भाई ने अगर इंडिकेटर बंद कर दिया और सिर्फ हमारी जो रिवर्स है ये ऐसी है और ये अपनी ये पूरी पार्किंग पे है। एक बार लुक चेकआउट कर लो, काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ रही है। मैंने आप लोगों के स्पेशली स्टॉक पर वो दोनों साथ रख रखे ताकि आप लुक में डिफरेंस चेकआउट कर पाओगे। और गाइस ये पूरा ऐसा कुछ है और ये भी गाइस पूरी अपनी बढ़िया क्वालिटी की लाइट आती है, कोई अच्छा नहीं है, क्वालिटी काफ़ी फाइन है, फिटिंग भी प्रॉपर आई हुई है। अभी नट नहीं कसे हमने बट इसकी फिटिंग देखो आप कितनी प्रॉपर इसकी पूरी फिटिंग आई हुई है। तो दोनों लाइटों की दिखा दी है और अब गाइस जो साथ में हमारी दूसरी वाली लाइट है वो भी इंस्टॉल करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और एक बार जब दोबारा से पूरी लुक होगी वो चेक करना कि अपनी ये वाली लाइट भाई ने इंस्टॉल कर दी है। और अभी एक बार गाड़ी की लुक चेकआउट करो गाइस, एक दोनों लाइट की इंस्टॉल होने के बाद लुक अब कुछ ऐसी आ रही है, स्टॉक से काफ़ी बेटर लग रही है और आप खुद ही लुक में डिफरेंस चेकआउट कर पाओगे और बहुत ही जेन्युइन लग रही है। आपको सारे मोड्स मैंने इसमें दिखा दिए हैं, एक बार ब्रेक और दोबारा से दिखा देता हूँ। तो गाइस ब्रेक के साथ कुछ ऐसा है और से मैं रिवर्स ऑन करता हूँ अब।
तो रिवर्स ही है। तो आपने देख डिफरेंस आप देखोगे तो रिवर्स जैसे ही ऑन करते हैं तो इतनी वाला पार्ट जो है हमारा ये वाइट हो जाता है, बट अगर हम सिर्फ इंडिकेटर ऑन करते हैं रिवर्स सेट आके, अगर इंडिकेटर ऑन करता हूँ बेगो रिवर्स सेट आता हूँ रिवर्स सेट आके इंडिकेटर करता हूँ तो गाइज पूरी आ जाती है। तो सो गाइज आपने गाड़ी की पूरी लुक चेकआउट कर ली होगी और देख ली होगी आफ्टर मार्केट टेल लाइट अपनी कैसी लगती है। तो गाइज अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग कुछ आती है 12 से 13 हज़ार के बीच में। अपनी बाहर की लाइटें हैं तो इसके अंदर प्राइस अप डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो अगर आपको लगवानी है तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर लेना पीएस और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी लाइट बहुत अच्छी लग रही है और जैसे अपनी पिछली वाली स्विफ्ट की लाइट बहुत अच्छी रिस्पांस करती थी आफ्टर मार्केट टेल लाइट जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती थी, ऐसी अपनी नई वाली लाइट आ चुकी है और ये भी बहुत जेन्युइन लग रही है। और जैसे मैंने अपनी गाड़ी के अंदर भी आफ्टर मार्केट टेल लाइट इसमें इंस्टॉल करवाई है, आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी बहुत बढ़िया लग रही है। सो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे मेरे की कब नई वीडियो आ रही है और सारे कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल का जो नाम है गाइस वही इंस्टाग्राम हैंडल है जेजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स, जाके इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना और आपको सारी डिटेल्स मेरी वहीं पे मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़।